बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अलबरका ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब से उम्रे के ख्वाहिशमंद जो हजरात के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। सऊदी अरब में उम्रे वीज़ा के बारे में एक नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मली उम्रा का जो वीज़ा है वो किसी उम्रा वीज़ा जो है ऑपरेटर या फिर ट्रैवल एजेंट के ज़रिए हासिल किया जाता है, लेकिन अभी जो एक सऊदी अरब ने नई पॉलिसी बनाई है, इसके तहत बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उम्रा का वीज़ा बग़ैर किसी उम्रा ऑपरेटर या बग़ैर किसी ट्रैवल एजेंट के हासिल कर सकेंगे। इस लिहाज से ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसका ऐलान सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से उम्रा की तरफ से कर दिया गया है। इसके तहत होगा ये कि जो सऊदी अरब के जो शहरी हैं वो या फिर जो गैर मुल्की जो सऊदी अरब में रहते हैं, रेजिडेंट वीज़ा पर रहते हैं, इकामा होल्डर हैं, उनको ये सहूलत हासिल होगी कि वो अपने दोस्त और अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए उम्रे का वीज़ा खुद हासिल कर सकेंगे। इसमें उनको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो 3 से 5 फ्रेंड्स या क्लोज रिलेटिव्स के लिए उम्रे का वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर एक जो गैर मुल्की सऊदी अरब में रहते हैं, इकामा जो होल्डर हैं, फॉरेन वर्कर्स, उनके लिए ये शर्त रखी गई है कि वो सिर्फ अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए, यानी के लिए जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कहा गया है, जिसमें बीवी बच्चे और पेरेंट्स और बहन भाई शामिल होते हैं, जो तो गैर मुल्की जो सऊदी अरब में रहते हैं जो अपने सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स के लिए ही उम्रे का वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो इकामा है वो वैलिड होना चाहिए, तभी वो अपने रिलेटिव्स के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। इसके बरक्स जो सऊदी अरब के जो शहरी हैं उनके लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं रखी गई है। वो जिस मुल्की गैर मुल्की के लिए चाहें वो उम्रे का वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। और मज़ीद यहाँ पर ये भी कहा गया है कि उम्रा वीज़ा पर बुलवाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने जो गैस की देखभाल करें और उनको मुकर्ररा मुद्दत के अंदर वापस भिजवाएं। इस वीज़ा को गेस्ट उम्रा या उम्रा होस्ट के नाम से भी पुकारा जा रहा है और ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में ये 3 दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया जा सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को 1 साल में इस वीज़ा पर सऊदी अरब बुलवाया जा सकता है। वीज़ा ये कैसे अप्लाई किया जा सकेगा, वीज़ा की ड्यूरेशन क्या होगी और कैसे अप्लाई किया जा सकेगा, फ़ीस वगैरह क्या होगी, ये सारी तफसीलात अभी आना बाकी हैं क्योंकि अभी इसका बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इस पर अभी सिर्फ पॉलिसी को पास किया गया है, तो जैसे ही इसका इत्तलाक होगा तो तफसीलात के साथ वो सामने आ जाएंगी और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी जो लोगों के रिलेटिव्स हैं वो सऊदी अरब होते हैं, ऐसे लोगों को यकीनन इस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।